नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूअर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का EL 305 कोड पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का जो सेकेंड चैप्टर है वो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फेज कंट्रोल सर्किट्स ऑफ SCR वो पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम ACR फेज कंट्रोल सर्किट्स का इंट्रोडक्शन, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस RC फायरिंग सर्किट्स और मेथड्स ऑफ फेज कंट्रोल ऑफ SCR, जिसमें हम रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस RC फायरिंग सर्किट्स, UJT फायरिंग सर्किट्स, रैंप एंड पेडेस्टल ट्रिगरिंग सर्किट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि फेज कंट्रोल होता क्या है। बेसिकली अनलाइक डायोड एन SCR डज नॉट बिकम्स कंडक्टिव इमिजिएटली आफ्टर इट्स वोल्टेज हैज़ बिकम पॉजिटिव। जैसे डायोड और SCR दोनों ही यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं, दोनों ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, लेकिन जैसे डायोड होता है उसमें क्या होता है कि हम दो तरह की बाइसिंग लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ऐसी ही फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग हम SCR में भी लगाते हैं, पर फ़र्क ये है कि जैसे ही हम SCR पर फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग लगाएंगे और डायोड पर रिवर्स बाइसिंग लगाएंगे तो दोनों में ही जो कंडक्शन ऑफ करंट है वो नहीं होगा। आइडियली तो नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से इसमें जो करंट का कंडक्शन है वो होता है। अब दूसरी बाइसिंग की बात करें, फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ पॉजिटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ नेगेटिव लगाते हैं, डायोड में भी और SCR में भी। SCR फोर लेयर डिवाइस है, तो उसकी जो एक्सट्रीम टर्मिनल्स हैं एनोड और कैथोड, उस पर एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल हम लगाएंगे और ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। अब देखा जाए तो दोनों ही जो डिवाइसेस हैं उनमें फॉरवर्ड बाइसिंग लग गई तो कंडक्शन होना चाहिए, करंट का कंडक्शन होना चाहिए। तो डायोड में तो इमीडिएटली जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एनोड से पी टाइप से एन टाइप की तरफ चार्जेस का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा और चार्जेस के फ्लो के स्टार्ट होने की वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन SCR के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। SCR में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ जो SCR है वो SCR के अंदर इन बिटवीन तीन जंक्शन बनते हैं, जबकि डायोड में दो एक ही जंक्शन बनता है। तो जो बाइसिंग होती है उस बाइसिंग से सिर्फ डायोड में तो एक जंक्शन को पास करना होता है और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में वो जो डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होती है उस जंक्शन पर, सिंगल जो जंक्शन है उस जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर जो होती है उसकी विड्थ कम होती है और उस पर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अगर 0.7 वोल्ट का हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया तो वो कंडक्शन में आ जाएगा। लेकिन SCR के केस में तीन जंक्शन बनते हैं इंटरनली, तो उन तीन जंक्शन में से फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में दो जंक्शन, J1 जंक्शन और J3 जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होता है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में ही होता है। तो इस J2 जंक्शन को रिवर्स बायस को फॉरवर्ड बायस में करवाने के लिए एक तीसरा टर्मिनल इसमें एम्प्लॉय किया जाता है, उसे हम गेट का नाम देते हैं। और ये जो गेट होता है ये इसमें कंट्रोलिंग का काम करता है। जब हमने एक बार बायसिंग तो लगा दी और लेकिन जब तक हम गेट पर ट्रिगरिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा SCR कंडक्ट नहीं करेगा, तो उस ट्रिगरिंग से हम इस SCR के आउटपुट का फेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है SCR के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को आज हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कैसे होता है। तो इट रिक्वायर्स ट्रिगरिंग बाय मींस ऑफ पल्स एट द गेट, और गेट पर हम पल्स अप्लाई करके ट्रिगरिंग करके इस SCR को टर्न ऑन करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू मेक द थायरिस्टर कंडक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द हाफ वेव विच अप्लाइज पॉजिटिव वोल्टेज टू इट्स एनोड। अब जो एनोड पर जो हाफ वेव लगी हुई है, जो AC सिग्नल हम जो लगाते हैं, तो हाफ वेव जो होती है 0 से लेकर 180 डिग्री तक की हाफ वेव होती है, उस हाफ वेव के अंदर हम किसी भी इंस्टेंट अल्फा एंगल, जो फायरिंग एंगल बोलते हैं, उस अल्फा एंगल पर किसी भी इंस्टेंट पर हम उस पर ट्रिगरिंग लगाकर और वहाँ से हम कंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।
ये हमारे पास SCR में लिबर्टी होती है। इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। एज आउटपुट आउट ऑफ वेरियस ट्रिगर मेथड्स टू टर्न ऑन SCR गेट ट्रिगरिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड्स। हमने एक लेक्चर के अंदर, एक वीडियो लेक्चर के अंदर टर्निंग ऑन मेथड्स ऑफ SCR हमने पढ़े थे। उसमें 5 टर्निंग ऑन मेथड्स थे। उन 5 में सबसे जो एफिशिएंट मेथड था वो था गेट ट्रिगरिंग, यानी गेट पर पॉजिटिव पल्स लगाकर हम ट्रिगर करते हैं, तो वो सबसे रिलायबल और सबसे एफिशिएंट मेथड हमारा SCR के टर्न ऑन का है। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल एप्लीकेशंस यूज दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग बिकॉज द डिजायर्ड इंस्टेंट ऑफ द SCR टर्निंग इज पॉसिबल विद द गेट ट्रिगरिंग मेथड। और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के अंदर, फेस कंट्रोल के एप्लीकेशंस के हंद में मोस्ट ऑफ के अंदर हम यही गेट ट्रिगरिंग वाला मेथड ही एम्प्लॉय करते हैं। अब मेथड्स ऑफ फेज कंट्रोल ऑफ SCR, वो वेरियस मेथड्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट्स, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट्स, UJT फायरिंग सर्किट्स, रैंप एंड पेडिस्टल ट्रिगर सर्किट्स। तो आज हम इनमें से दो जो है मेथड्स हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट्स। द रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग ऑफ SCR वेयर इट इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव द लोड फ्रॉम द इनपुट AC सप्लाई। रेजिस्टेंस एंड डायोड कॉम्बिनेशन सर्किट एक्ट एज अ गेट कंट्रोल सर्किटरी टू स्विच द SCR इन द डिजायर्ड कंडीशन। SCR ट्रिगरिंग के लिए जो रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग जो प्रोसेस है उससे हम लोड पर AC करंट की सप्लाई को ड्राइव करते हैं, और रेजिस्टेंस और डायोड का जो एक कॉम्बिनेशन है ये एक सर्किट बनाता है गेट कंट्रोलिंग सर्किटरी जिसे बोलते हैं, और ये एक सर्किट बनाता है जो हमारे SCR की वर्किंग को डिजायर कंडीशन पर करवाने की क्षमता रखता है। एज द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड, जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज हम इस पर अप्लाई करेंगे, द SCR इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड डजंट कंडक्ट अंटिल इट्स गेट करंट इज मोर देन मिनिमम गेट करंट ऑफ द SCR। तो जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्टेज हम इस पर अप्लाई करें, और SCR पर SCR फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन गेट पर जब तक हम ट्रिगर नहीं करते तब तक SCR हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, और जैसे ही हम उस पर गेट डिजायर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट का एक गेट करंट हम उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारा SCR टर्न ऑन हो जाएगा। व्हेन द गेट करंट अप्लाइड बाय वेरिंग रेजिस्टेंस R2 सच दैट द गेट करंट शुड बी मोर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट करंट, द SCR टर्न ऑन। और जो गेट करंट है वो एक वेरिंग रेजिस्टेंस R2 वेरिंग रेजिस्टेंस है। अभी हम सर्किट देखते हैं तो उस वेरिंग रेजिस्टेंस के थ्रू हम ये गेट करंट इस पर अप्लाई करेंगे, और उस पर मिनिमम लेवल ऑफ गेट करंट हम उस पर अप्लाई करेंगे तो SCR टर्न ऑन हो जाएगा। हेंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द SCR, और SCR के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। द SCR रिमेंस ऑन अंटिल द एनोड करंट इज इक्वल टू द होल्डिंग करंट। और एनोड जो SCR है उसके बाद में ऑन कंडीशन में रहेगा जब तक कि उस SCR के अंदर जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के इक्वल तक रहेगा, उससे ऊपर या इक्वल तक रहेगा। होल्डिंग करंट हमने एक डिस्कस किया हुआ है कि होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है एनोड करंट का, जिस पर हमें अगर वो मिनिमम करंट हम SCR में मेंटेन करेंगे, एनोड करंट मेंटेन करेंगे, तो हमारा SCR ऑन कंडीशन में रहेगा। एंड इट विल स्विच ऑफ व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड इज़ जीरो, सो द लोड करंट इज़ जीरो एज द SCR एक्ट एज अ ओपन सर्किट। और उसकी वैल्यू जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जीरो तभी होगी जब ये SCR टर्न ऑफ होगा, और SCR को टर्न ऑफ करने के लिए हमें उस पर एक मिनिमम करंट की वैल्यू से नीचे, होल्डिंग करंट की वैल्यू से नीचे करंट लाना होगा, तब वो SCR टर्न ऑफ होगा, और टर्न ऑफ होने की कंडीशन में वो ओपन सर्किट की तरह SCR वर्क करेगा, एक्ट करेगा। द डायोड प्रोटेक्ट्स द गेट ड्राइव सर्किट्स फ्रॉम रिवर्स गेट वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी SCR पर, तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल से जो गेट होता है, जो डायोड होता है, वो डायोड उस गेट ड्राइव सर्किट की प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर जो हमारा डायोड होता है वो रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा। यह सर्किट अगर हम देखें तो ये देखिए सर्किट है। जब इस सर्किट के अंदर जो VS की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की कंडीशन के अंदर जो डायोड है, डायोड का P नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव से कनेक्ट होने की कंडीशन के अंदर ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होगा तो गेट पर जो जरूरी वोल्टेज है या जरूरी वोल्टेज या जरूरी गेट करंट है वो नहीं मिल पाएगा, और ये SCR हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा।
And the resistance R1 limits the current flowing through the gate terminal, and its value is such that gate current should not be exceed the maximum gate current. अच्छा, इसके अलावा इस जो वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, इसी से हम गेट पर ट्रिगरिंग भी कर रहे हैं. तो इस गेट ट्रिगरिंग के लिए बीच में हमने जो डायोड लगाया है उस पर एक हमने R1 रेजिस्टेंस के थ्रू इसको रूट किया है. अब R1 रेजिस्टेंस यहाँ क्या करंट लिमिटेशन का काम करेगा. अगर R1 नहीं लगाएंगे तो हमारा जो अगर मैक्सिमम रेटेड गेट करंट है उससे भी ज़्यादा अगर हमारा करंट आता है तो वो इस SCR के सर्किट को या गेट को बर्न आउट कर सकता है, उस लेयर को बर्न आउट कर सकता है, जो J2 जंक्शन है उसको बर्न आउट कर सकता है. इसलिए जो R1 रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है ताकि इस पर जो मिनिमम अमाउंट का जो करंट है वो तो अप्लाई हो, लेकिन उसकी लेवल भी फिक्स हो कि मैक्सिमम करंट जो हमारी गेट पर ट्रिगरिंग दी जा सकती है उससे ज़्यादा का करंट हम गेट पर नहीं जाने दें. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड इकोनॉमिकल टाइप ऑफ ट्रिगरिंग बट लिमिटेड फॉर फ्यू एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स डिसएडवांटेजेस. In this triggering, angle is limited to 90 degree only because the applied voltage is maximum at 90 degree. So the gate current has to reach minimum gate current also somewhere, gate current value somewhere between 0 to 90 degree. अब इस तरह की ट्रिगरिंग से इसमें क्या कि जो मैक्सिमम जो करंट की गेट ट्रिगरिंग जो होती है, मिनिमम जो गेट ट्रिगर जो करंट आता है वो आता है 90 डिग्री पर. तो ये 0 से 90 के लेवल तक तो ये ट्रिगर नहीं होगा. फिर जैसे 90 डिग्री पर हमारा गेट की वैल्यू गेट करंट की वैल्यू आएगी तब मैक्सिमम करंट इसके थ्रू फ्लो होगा और उस समय हमारा गेट ट्रिगर होगा. गेट ट्रिगर होने से SCR हमारा कंडक्ट करेगा. तो हम इसमें जो फेज़ है वो 90 डिग्री का फेज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं और इस तरह से हम केवल जो 90 से 180 डिग्री का जो फेज़ है उस फेज़ के लिए ही हम इस पे लोड पर करंट ले सकते हैं. तो ये जो थी, ये पहली टेक्निक थी, ये रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग टेक्निक थी. नेक्स्ट जो है वो है हमारी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट. इसका सर्किट हम देखें तो इसका सर्किट है कि SCR है. इस SCR से दो डायोड्स हमने वोल्टेज डिवाइडर के रूप में, एक दो डायोड्स हैं वो एक रेजिस्टेंस के वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम उसको रूट किया है. उसके अलावा एक कैपेसिटर हमने और लगाया है. ये इसका बेसिक रेजिस्टेंस बेसिक सर्किट डायग्राम है और ये इसका आउटपुट फेज आउटपुट वेवफॉर्म है, आउटपुट वेवफॉर्म है जो लोड पर हमें मिलेगी. तो इसकी वर्किंग देखते हैं. द लिमिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट कैन बी ओवरकम बाई RC ट्रिगरिंग सर्किट विच प्रोवाइड्स द फायरिंग एंगल कंट्रोल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. अब जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किल था उसके अंदर हमारे पास लिमिटेशन थी कि वो 0 से 90 के लिए ट्रिगर नहीं करता था, लेकिन अब हमारे पास RC को अगर हम RC सर्किट हम अगर यूज़ कर लेते हैं तो हम ये जो फायरिंग सर्किट है, इस फायरिंग सर्किट से हम 0 से लेकर 180 डिग्री तक कहीं भी हम फायरिंग एंगल हमारा सेट करके और गेट को ऑपरेट करवा सकते हैं. बाई चेंजिंग द फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट करंट ए लार्ज वेरिएशन ऑफ एंगल फायरिंग एंगल कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग दिस. और फेज़ और एम्पलीट्यूड को चेंज करके, गेट करंट के फेज़ और एम्पलीट्यूड को चेंज करके हम लार्ज वेरिएशन के अंदर बहुत, मतलब जिसकी जो वेरिएशन होंगी अल्फा की, फायरिंग एंगल की वेरिएशन, वो अच्छी खासी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं. इसके हमारे पास वेरिएशन 0 से लेकर 180 डिग्री तक का वेरिएशन हमें मिल सकता है. फिगर बिलो शोज RC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू, ये हमारे पास सर्किट है जो इसमें दो डायोड्स हैं और एक RC नेटवर्क है जो कि SCR को टर्न ऑन करने के काम में आ रहा है. ये देखिए, ये RC सर्किट है और एक दो डायोड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं. बाई वेरिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग और फायरिंग एंगल इज कंट्रोल्ड इन ए फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल के अंदर जो फुल जो हाफ साइकिल है, उस हाफ साइकिल में हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं अपने फायरिंग एंगल को. यानी बात वही है कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक हम कहीं भी अपना फायरिंग एंगल सेट कर सकते हैं इस RC नेटवर्क को यूज़ करके. ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल कैपेसिटर चार्जेस विद लोअर प्लेट पॉजिटिव थ्रू द डायोड D2 अप टू द मैक्सिमम
supply voltage Vmax. This voltage remains at minus Vmax across the capacitor till supply voltage attains zero crossing. अब जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए के केस के अंदर हमारा जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर से जो प्लेट डी टू डायोड की जो प्लेट कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हमारी चार्ज होगी और वो नेगेटिव वी मैक्स इसको दिया जाएगा. जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके अंदर हमारा जो कैपेसिटर है वो माइनस वी मैक्स तक चार्ज होगा और माइनस वी मैक्स तक चार्ज होने की वजह से हमारा जो एस सी आर है उस एस सी आर पर जो गेट है जो है वो क्योंकि डायोड के थ्रू हमने लगाया हुआ है गेट पर ट्रिगरिंग, तो गेट पर जब नेगेटिव वोल्टेज रहेगा तो इस डायोड के थ्रू नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो वो ट्रिगर नहीं होगा, डायोड ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, रिवर्स बायस में वर्क करेगा, तो गेट पर कोई किसी तरह की ट्रिगरिंग नहीं हो पाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल में. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट द एससीआर बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस टू द ट्रिगर वोल्टेज वैल्यू ऑफ द एससीआर. और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा आर के वाया आर और ये चार्ज होगा मैक्सिमम गेट करंट की वोल्टेज रेटिंग तक, जो गेट पर गेट करंट है उसकी भी उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक हमारा ये वी मैक्स जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा. इसकी जो वैल्यू है चार्जिंग की हम चेंज करते हैं रेजिस्टेंस की सहायता से. When the capacitor charging voltage is equal to the gate trigger voltage, SCR is turned on. और जब जो capacitor का charging voltage हमारे gate trigger voltage के equal होगा तो SCR turn on हो जाएगा और capacitor holds a small voltage और capacitor के पास एक small voltage hold पर रह जाएगा. Therefore, the capacitor voltage is helpful in triggering the SCR even after 90 degree of the input waveform. और इसलिए क्योंकि हमारे कैपेसिटर पर एक वोल्टेज हमारा स्टोर रह गया तो इस वजह से हम एससीआर को 90 डिग्री के आगे भी वेवफॉर्म के अंदर ट्रिगर करवाने में कामयाब हो जाएंगे. इन दिस डायोड D1 प्रिवेंट्स द नेगेटिव वोल्टेज बिटवीन गेट एंड कैथोड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट थ्रू D2. और इस प्रोसेस के अंदर इस ट्रिगरिंग के अंदर जो सर्किट है इस सर्किट को अगर हम देखें तो जो D1 डायोड लगा हुआ है वो D1 डायोड गेट को के साथ इस तरह से लगा हुआ है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी हमारे सप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उससे जो हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस पर जो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा उस नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप पोटेंशियल की वजह से ये D1 जो डायोड है ये रिवर्स बायस में आ जाएगा और इसके रिवर्स बायस में आने की वजह से जो गेट है हमारा वो ट्रिगर नहीं हो पाएगा और वो गेट ट्रिगर अगर नहीं हो पाएगा तो ये हमारा SCR टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा. तो बेसिकली जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमने इस वेवफॉर्म के अंदर जो शेडेड बना रखी है वही आउटपुट हमारे पास लोड पर मिलेगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम एक जो डायोड जो दो डायोड्स और एक RC सर्किट के यूज़ को करके हम जो फायरिंग एंगल है उसको जीरो से लेकर 180 डिग्री तक कहीं भी इसको SCR को ट्रिगर करने में कामयाब हो गए गेट के थ्रू. और हमारा जो फेज़ है जो हमने जो इनपुट जो फेज़ दिया था उस फेज़ को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए इस वजह से और ये फेज़ की वजह से जो आउटपुट पावर है वो हमारी कंट्रोल हो जाएगी. तो बेसिकली फेज़ कंट्रोल का जो यूज़ है वो आउटपुट पावर को कंट्रोल करने का है. तो हमारे लोड पर जो आउटपुट पावर है उसको हम फेज़ को कंट्रोल करके उस लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम ये सर्किट्स यूज़ करते हैं. आज के इस वीडियो में ये दो टेक्निक्स हमने डिस्कस की, दो टेक्निक UJT ट्रिगरिंग एंड रैम पेडेस्टल ट्रिगरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दो मेथड्स हमने डिस्कस किए और इजी भी हैं, सिंपल अपने को बाइसिंग ध्यान में रखनी है डायोड्स की और SCR की बाइसिंग ध्यान में रखनी है और गेट पर जो डायोड्स के थ्रू हम लोग जो ट्रिगरिंग करवा रहे हैं तो वो ध्यान में रखनी है. बहुत इम्पोर्टेंट था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. धन्यवाद.